में सबसे पहले आपको जो 7 वैक्सीन जिसके अगेंस्ट हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं पहले वो बताऊंगी, फिर आपको नए वैक्सीन के बारे में बताएंगे। तो जो 7 बीमारियां हैं जिसके अगेंस्ट हमारा ये पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, वो है आपका डिप्थीरिया रहता है, ठीक है। दूसरा आपका पर्टुसिस या काली खांसी रहता है। तीसरा आपका टिटनेस की बीमारी के अगेंस्ट रहता है। फिर आपका पोलियो के अगेंस्ट में रहता है। इसके बाद आपके हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट रहता है और आपके मीजल्स के अगेंस्ट रहता है। और इसके अलावा हिप यानी कि एच इन्फ्लुएंजा बी के अगेंस्ट रहता है। तो अभी जो प्राइमरी प्रोग्राम है इम्यूनाइजेशन का, वो इन 7 बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन्स हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कुछ नए वैक्सीन्स भी शुरू की है जो कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज धीरे धीरे सब जगह लग रही है, जिसमें सबसे प्रमुख है न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल का कंजुगेट फॉर्म जो है वो अवेलेबल अब है गवर्नमेंट सप्लाई में, ज़्यादातर जगह में है अवेलेबल और फेज मैनर में सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स में अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो नए वैक्सीन है न्यूमोकोकल, ये बहुत ही जटिल बीमारी जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होती है, जो कि निमोनिया या मेनिनजाइटिस सेप्टिसीमा इस तरह की जटिल बीमारी कर सकता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा IPV इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, नया एक वैक्सीन शुरू हुआ है, और रोटा वायरस वैक्सीन जो कि डायरिया से बच्चों को बचाता है, ये 3 नए वैक्सीन्स शुरू किए हैं सरकार ने। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस के अगेंस्ट भी कुछ एंडेमिक एरियाज में अब वैक्सीन उपलब्ध है। तो ये हैं आपके सारे वैक्सीन्स जिसके अगेंस्ट हमारे पास है अभी आज के डेट में। मी यूपी का एक उद्देश्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा में अव्वल हो उत्तर प्रदेश।